फिल्मों में आपने सुना होगा कि कोई जिंदा है लेकिन उसको मृतक बता दिया जाता है, लेकिन ऐसा ही कुछ अब होने लगा है असल जिंदगी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। यूपी के गोंडा में फिल्मी तर्ज पर विभाग ने जिंदा बुजुर्ग श्याम बिहारी को मृतक घोषित कर दिया। अब बुजुर्ग खुद को कागज में जिंदा करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उनका कहना है कि यदि वह कागज में जिंदा हो जाते हैं तो 500 रुपए महीना वृद्धा पेंशन मिलने लगे, जिससे वह अपने जीवन यापन कर सकेंगे। क्योंकि बुजुर्ग को सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अधिकारी ने कागजों में मृत घोषित कर दिया है, इसी वजह से उनकी पेंशन भी रोक दी गई है। दरअसल पूरी कहानी यह है कि गोंडा के पंडरी कृपाल ब्लॉक के मुंडेरवा कला गाँव के 85 वर्षीय बुजुर्ग श्याम बिहारी का कहते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि उन्हें कागजों में जिंदा कर दिया जाए, इसके लिए उन्होंने कई प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। श्याम बिहारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग उनके खाते में हर तीसरे महीने 1500 रुपए भेज देता था, जिससे वह अपना जीवन यापन कर पाते थे। जब कई महीने बीत जाने के बाद भी श्याम बिहारी को पेंशन नहीं आई तो उन्होंने विभाग से पता करवाया। तब बुजुर्ग को पता चलता है कि वह कागज में मृतक हो चुके हैं। यह जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी चलने में असमर्थ बुजुर्ग लगातार विभाग में जाकर अपने जिंदा होने की एप्लीकेशन देते रहे। बुजुर्ग के मुताबिक उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। हमारा साथ घटना हुआ है, हम आपकी संपावत घोषित कर दिन में मृत्यु दिखाए थे, प्रधान या सेक्रेटरी सब मिल करके हम विकास भवन में जान साहब दरखास्त सरकार दे, कोई सुनवाई नहीं हुई। गाँव थे, 4 पैसा सरकार दे रहा, जो कहीं तो हमारा जीतता हो जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि हम मानते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी से गलती हुई है। वहीं दूसरी तरफ समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने यह जानकारी दी कि 6 जुलाई 2019 से पहले श्याम बिहारी को वृद्धा पेंशन दी जा रही थी, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी ने सत्यापन सूची भेजी जिसमें इन्हें मृतक घोषित कर दिया गया, इससे उनकी पेंशन जो थी उसको रोक दिया गया। अब ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ FIR लिखवाई जा रही है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं बुजुर्ग को उसी डेट से पेंशन भी दी जाएगी। श्याम बिहारी मुंडेरवा कला गाँव के परिकृपाल के रहने वाले हैं, इनका आप लोग ही माध्यम से कल मुझे पता चला है कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। तो पेंशन रोकने का कारण ये था कि जून 2019 तक इनको पेंशन मिली हुई है, मैंने जांच कराया तो जून 2019 तक मिली हुई है इनको पेंशन। जुलाई से सत्यापन के बाद BDO ने इनको मृतक दिखा दिया, BDO के सत्यापन में मृतक पाए गए, जिसके कारण कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। पुनः इनके जो सत्यापन करता है उसके खिलाफ जांच कराई जा रही है कि वो रिपोर्ट यदि सही पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा। दूसरी तरफ बुजुर्ग द्वारा दिखाए गए परिवार रजिस्टर की कॉपी में भी श्याम बिहारी का नाम दर्ज नहीं है, जिसको सेक्रेटरी ने मई 2020 में जारी किया है। इससे भी साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं लोगों का कहना है कि एकदम फिल्मी तर्ज पर विभाग ने जिंदा बुजुर्ग श्याम बिहारी को मृतक घोषित कर दिया। यदि बुजुर्ग को फिर से पेंशन मिलने लगे तो उनकी काफी मदद होगी, क्योंकि इस उम्र में अब बुजुर्ग का चलना फिरना भी लाठी के सहारे होता है, वह विभाग के कब तक चक्कर काटेंगे। फिलहाल बुजुर्ग श्याम बिहारी को इंसाफ का इंतजार है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कभी यह बुजुर्ग कागजों में जिंदा हो पाएगा। धन्यवाद।